नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज क्रिमिनल्स में बात होगी होटल के रूम नंबर 302 की मिस्ट्री की, और बैग में लड़की की लाश की तहकीकात करेंगे। कांग्रेस नेता की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का भी राजफाश होगा, एक डॉन की खूनी मोहब्बत भी दिखाएंगे, और होगा ड्रग्स का POK कनेक्शन। भोपाल की रहने वाली वो लड़की मनाली गई, होटल में उसी के नाम से कमरा बुक था जिस होटल में वो ठहरी। उसके साथ एक लड़के ने भी चेक इन किया था। 13 तारीख को होटल में दोनों ने चेक इन किया, लेकिन होटल से लड़का ही बाहर आया। उसके हाथ में बैग था, लड़की गायब थी। बैग में मिली लड़की की लाश, आखिर होटल के रूम नंबर 302 की मिस्ट्री क्या है? देखिए रिपोर्ट। होटल के रूम नंबर 302 की मिस्ट्री, भोपाल टू मनाली, होटल में मर्डर, होटल में लड़की के साथ एंट्री। वो बाहर आया तो हाथ में बैग था। मनाली की खूबसूरत वादियां, लेकिन वादियों के एक होटल में ऐसा खौफनाक राज दफन था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। एक होटल में लड़का लड़की दोनों ने 13 तारीख को चेक इन किया, लेकिन 15 तारीख को जब लड़का होटल से बाहर निकला तो उसके साथ लड़की नहीं थी, पास में बैग था। होटल स्टाफ ने पूछा भी, लेकिन लड़का होटल स्टाफ को गुमराह करता रहा। इधर टैक्सी में वेटर और ड्राइवर ने जब बैग रखा तो बैग भारी होने पर उन्हें शक हुआ। बैग खोलने को कहा गया, लेकिन डर के मारे लड़का फरार हो गया। कि एक लड़के ने एक सस्पिशियस सा बैग एक टैक्सी में रख के वो वहाँ से भाग गया। तो इस इंफॉर्मेशन के अनुसार हमारे जो SHO थे तो वो वहाँ मौके पर पहुँचे, और उन्होंने वहाँ पर चेक किया और उनको ये पता लगा कि उस बैग के अंदर एक युवती का एक डेड बॉडी मिला है। तो इमिडिएटली जैसे ही ये इंफॉर्मेशन आया तो हमने काफ़ी सारे टीम बनाए, और जो उनके साथ ठहरे हुए थे, हमारा वो प्राइम सस्पेक्ट था, तो उसको हमने अप्रिहेंड किया। चंद घंटों में कुल्लू से आरोपी युवक पकड़ा गया। इसे इत्तेफाक कहें कि होटल के रूम नंबर 302 में लड़का लड़की दोनों गए थे, और हत्या की धारा 302 ही लगी है। तहकीकात में यह बात सामने आई कि मृतक लड़की भोपाल की रहने वाली थी, आधार कार्ड से पहचान हुई, लड़की के नाम पर होटल की बुकिंग थी। आरोपी लड़का विनोद राठौर पलवल हरियाणा का रहने वाला है। जितना अभी हमारे पास प्राइमा फेसी इन्फॉर्मेशन है, उसके अनुसार हमें मालूम पड़ा है कि जो अक्यूज है वो ही इज़ फ्रॉम पलवल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, एंड विक्टिम का डिटेल्स आई कैन नॉट डिस्क्लोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड बाकी हम उनके परिवार वालों से भी संपर्क में हैं जो विक्टिम है, और उनका जो क्या है, व्हाट इज़ देयर बैकग्राउंड, उसकी हम और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आखिर लड़की की मौत कैसे हुई? क्या दोनों प्रेमी प्रेमिका थे? दोनों के बीच रिलेशन क्या था? अभी कई राज का खुलना बाकी है। मनाली थाना पुलिस होटल के रूम नंबर 302 की तहकीकात कर रही है। मनाली में सचिन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। शूटर, सुपारी किलर और कांग्रेस नेता का कत्ल। कांग्रेस नेता के कत्ल से पहले रेकी की गई। 2 महीने से मर्डर की ये साजिश रची जा रही थी, और इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को मास्टरमाइंड ने नक्सली साजिश का रंग भी दिया, लेकिन मास्टरमाइंड बेरकाब हो गया। देखिए, कांग्रेस नेता का मर्डर, धमकी भरे लेटर, चिट्ठियां आई हैं, कातिलों का सुराग लाई हैं, दहशत की चिट्ठियां और लाल सलाम। मनीष राठौर का एक मकसद ये भी था कि शहर में नक्सलियों की ओर से एक डर का माहौल बनाया जाए और उस बीच में कुछ घटनाओं को कारित किया जाए। जेल में जुर्म का याराना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, गोदाम में छुपे सुपारी किलर, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में कैद बदलापुर, दहशत की वो चिट्ठियां जो करीब 1.5 महीने से नारायणपुर में नामचीन लोगों के घर जा रही थी, पत्रकारों के घर भी। क्या ये लाल आतंक की आहट थी? नक्सलियों का बैनर भी लगाया गया, यानी ऐसा सीन क्रिएट किया गया
कि इस खौफ के पीछे नक्सलियों का हाथ लगे। धमकी भरे लेटर पर्चे भेजे गए। आखिर ये पहेली क्या है? इस पहेली का कनेक्शन जुड़ा नारायणपुर में कांग्रेस नेता विक्रम बैस के कत्ल से। पूरा मामला तफसील से आपको बताते हैं। 13 मई की रात लगभग 10 बजे विक्रम बैस के उसके घर के सामने, घर से लगभग 400-500 मीटर दूर नारायणपुर के बकरूपारा में तीन लोगों ने मिलकर गोली से मारकर और साथ में एक से मारकर हत्या कर दी थी। 13 मई की रात को नारायणपुर बकरूपारा में धारदार हथियार से वार करके और गोली मारकर कांग्रेस नेता विक्रम बैस की हत्या कर दी गई थी। पुलिस की टीम हर एंगल पर जांच कर रही थी। सबूत और सुराग ये कह रहे थे कोई है जो इस पूरी वारदात को नक्सली साजिश बताना चाहता है। और फिर वो मास्टरमाइंड भी बेनकाब हुआ। नारायणपुर के मनीष राठौर ने कांग्रेस नेता विक्रम की हत्या की सुपारी दी थी। इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को नक्सली साजिश का रंग देने के लिए चिट्ठियां भेजी गईं, बैनर लगाए गए। क्या है कि जो लीड कॉन्स्पिरेटर है नारायणपुर का ही रहने वाला मनीष राठौर नाम का व्यक्ति है, जिसने पूरी साजिश रची थी और इसकी साजिश वो लगभग 2 महीने पहले से रच रहा था, इस पर वो काम कर रहा था। मनीष राठौर ने ही इन्हीं लड़कों का इस्तेमाल करके 1.5 महीने पहले पत्रकारों के घर में स्पीड पोस्ट करके धमकी भरी चिट्ठियाँ भेजी थी और उसको ऐसा एंगल देने की कोशिश किया गया था कि नक्सलियों ने भेजा है। करीब 2 महीने से साजिश का जाल बुना जा रहा था। विश्वजीत से जेल में पहचान हुई और उसके बाद ये साजिश रची गई। हर एक किरदार के हिस्से अलग काम था। पिस्टल बिहार से खरीदी गई। हत्या से 2 दिन पहले विक्रम बैस की रेकी की गई थी। एक अपराधी को 1.5 महीने पहले हायर किया गया था, दूसरे को लगभग 20 दिन पहले हायर किया गया था। दोनों पिछले 10 से 15 दिनों से नारायणपुर में इसके गोदाम में छुप के रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। 3 बार कोशिश किया गया था और 3री बार ये सफल हुए हैं। रेकी की गई थी, रेकी में उसका कर्मचारी विवेक ने उसकी मदद की थी। इस मामले में पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में दुर्ग और बिलासपुर से भी आरोपी दबोचे गए। अब तक 6 आरोपियों का खुलासा हुआ है। सुपारी किलिंग में कैद था बदलापुर मास्टरमाइंड मनीष राठौर की विक्रम बैस से दुश्मनी। जो कारण था मारने का वो आपसी रंजिश, थोड़ा सा व्यवसायिक रंजिश था, पर्सनल एनिमिटी इस पे, और थोड़ा प्रोफेशनली इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई लेकिन उसमें नाकाम रहे। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के और कितने किरदार हैं, जांच जारी। जगदलपुर में श्रीनिवास नायडू और बिलासपुर में उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पार्टी की जान कहा जाता है ड्रग माफिया के टारगेट पर अक्सर यंगस्टर्स होते हैं। नशे के ऐसे ही सौदागरों पर इंदौर नारकोटिक्स विंग ने शिकंजा कसा। ये ड्रग पैडलर आसानी से हाथ नहीं आए, इन्होंने हमला भी किया। जब ये पैडलर दबोचे गए तो सूत्रों की माने तो इनके हलक से निकला ड्रग माफिया का POK कनेक्शन, जो होश उड़ाने वाला है। आखिर इस कनेक्शन की हकीकत क्या है, देखिए। इस वक्त POK को लेकर पूरे देश में खूब चर्चा भी चल रही है, लेकिन इस बीच मिनी मुंबई और POK के बीच में ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। इसमें एक आरोपी सलीम है जो 2015 में नारकोटिक्स विंग इंदौर ने उसे बंद करा था। मिर्ची भी उन्होंने हमारी टीम पर फेंकी, एक दो को चांटे भी उन्होंने मारे, हाथ में लोचा भी है, इस तरह से उन पे हमला भी किया गया। ड्रग माफिया का POK कनेक्शन, ड्रग पैडलर का खाकी पर हमला, गुनाह का रूप जम्मू कश्मीर टू मिनी मुंबई, रडार पर नशे के सौदागर, 35 लाख की MD ड्रग, कितने राजदार। तस्करों पर शिकंजा, किंग पिन कौन, रेव पार्टी की ये जान, टारगेट पर यंगिस्तान। ऑपरेशन तस्कर,
रगों में जब ये नशा दौड़ता है तो इसका गुलाम मदहोशी के उस आलम में पहुंच जाता है जहां उसे अलग ही दुनिया नजर आती है, रंगीन दुनिया। नशे के कारोबार का सबसे महंगा नशा, जिसे पार्टियों की जान भी कहा जाता है, एमडी ड्रग। नशे के सौदागरों के निशाने पर खासकर यंगस्टर्स होते हैं। रेव पार्टियों में इस ड्रग को खपाया जाता है। नशे के कारोबार का महंगा नशा तस्करों के लिए मुनाफे का कारोबार है, और इस कारोबार का जो कनेक्शन सामने आया है वो हैरान करने वाला है। मिनी मुंबई यानी इंदौर में नारकोटिक्स विंग का ऑपरेशन तस्कर। सूत्रों की माने तो इस तस्करी का कनेक्शन जुड़ा है पीओके से। इस वक्त पीओके को लेकर पूरे देश में खूब चर्चा भी चल रही है, लेकिन इस बीच मिनी मुंबई और पीओके के बीच में ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। नारकोटिक्स विंग ने बड़ी कार्रवाई की है, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, ड्राइवर फरार है। ऑपरेशन तस्कर में दबोचे गए ये दोनों आरोपी ड्रग पेडलर हैं, नाम सलीम और शाहरुख। दरअसल इंदौर नारकोटिक्स विंग को मुखबिरों से खबर लगी थी इन नशे के सौदागरों के बारे में। खरगोन के कसरावत में कब्रिस्तान के पास नारकोटिक्स विंग इंदौर की टीम ने ड्रग पेडलर सलीम और शाहरुख को दबोचा, लेकिन इन्हें ड्रग सप्लाई करने वाला ड्राइवर मिर्जा फरार है। सूत्रों की माने तो आरोपियों ने पूछताछ में यह खुलासा किया है कि ट्रक ड्राइवर मिर्जा पीओके से ड्रग लेकर आया था, जिसने पहले एमडी ड्रग्स का फोटो शाहरुख को भेजा। क्वालिटी और कीमत पर जब सौदा तय हुआ तो ड्रग की सप्लाई ड्राइवर ने कसरावत में की। कल हमारी नारकोटिक्स विंग की टीम ने खरगोन जिले के कसरावत एरिया से लगभग 135 ग्राम एमडी जब्त की है, और जो आरोपी माल जिसका है वो जम्मू कश्मीर का कोई ट्रक चलाता है, तो इस कारण जो है जम्मू कश्मीर तक तो लिंक इसकी जुड़ी है, बाकी आगे की लिंक पूछताछ में जब आएगी तब बताया जाएगा। इन तस्करों को दबोचना भी आसान नहीं था। आरोपियों ने नारकोटिक्स विंग पर हमला किया। हमला कैसे हुआ सुनिए। जब टीम हमारी उन आरोपियों को पकड़ रही थी तो टीम पर उन आरोपियों द्वारा हमला भी किया गया, और जो जैसा कि टीम ने बताया कि मिर्ची भी उनने हमारी टीम पर फेंकी, एक दो को चांटे भी उनने मारे, हाथ में लोचा भी है, इस तरह से उन पर हमला भी किया गया। तस्करों ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है कि ट्रक ड्राइवर का कनेक्शन पीओके से है। इस गैंग में शामिल सलीम 2015 में एनडीपीएस एक्ट में पहले भी पकड़ा जा चुका है। इसमें एक आरोपी सलीम है जो 2015 में नारकोटिक्स विंग इंदौर ने उसे बंद करा था। सवाल है कि क्या पीओके से नशे की ये खेप बदस्तूर लाई जा रही थी? आखिर नशे के सौदागरों का नेटवर्क कितना बड़ा है? इस खेल का किंगपिन कौन है? पीओके के ड्रग्स कनेक्शन की तहकीकात जारी है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये खूनी लव स्टोरी है उस डॉन की, जिसने अपनी प्रेमिका को हासिल करने के लिए किसी का कत्ल कर दिया। सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स ने हत्यारे डॉन की खूनी कहानी का खुलासा किया। कत्ल में डॉन की प्रेमिका भी शामिल है। आखिर मर्डर किसका हुआ, रिपोर्ट देखिए। डॉन का नाजायज इश्क। सुहाग के कत्ल की खौफनाक साजिश। वो कुंडी खोलकर सो गई। ऐसे हुई कातिल की घर में एंट्री। ऑटो में जाती पति की लाश। कॉल में कैद बेवफा बीवी। नेकड़ हालत में एक लाश मिली। लाश की पहचान को छिपाने के लिए कातिलों ने उस पर कई बार किए थे, लेकिन पहचान छिप न सकी। लाश को करबला पुल के नीचे फेंका गया था। नदी के पास शिवपुरी के फिजिकल थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। कत्ल की इस मिस्ट्री में दो सुराग सबसे अहम थे। पहला सीसीटीवी फुटेज। 6 मई की रात क्राइम सीन पर यह ऑटो आता जाता हुआ दिखाई दिया। सीसीटीवी में कैद ये सुराग अहम क्लू था। दूसरा क्लू था कॉल डिटेल्स। ये लाश थी 35 साल के नितिन शर्मा की। विवेचना के दौरान सबसे पहले हमने सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे। मुझे सीसीटीवी में सबसे पहले ऑटो
चार तारीख की रात में, 4 और 5 की दरमियानी रात में ऑटो का मूवमेंट दिखाई दिया था करबला तरफ। और इसके साथ ही जब मृतक की पत्नी के साइबर से जब हमने CDR मंगाई थी, तो इन दोनों में हमको एक नंबर मिला जो संदिग्ध था। वो नंबर उसके भांजे, मृतक के भांजे डॉन और शिवम का था। लाश की पहचान हुई, लेकिन अभी भी कातिलों का बेनकाब होना बाकी था। मृतक नितिन की पत्नी के कॉल डिटेल्स खंगाले गए, जिसमें पति से महज चंद मिनट बातचीत तो दूसरे शख्स से लंबी लंबी बातें। पुलिस के शक के रडार पर पत्नी आई और वो नंबर वाला शख्स। फिर खुलासा हुआ डॉन के नजायज इश्क का। शिवम शर्मा उर्फ डॉन, बेवफा पत्नी ने पति के कत्ल की साजिश प्रेमी शिवम शर्मा के साथ मिलकर रची थी। संदेह के आधार पर फिर हमने इनको पकड़ा, पूछताछ की, तो सारे तथ्य सामने आए। वारदात वाले दिन दरवाजे की कुंडी खोलकर सो गई। शिवम अपने साथियों के साथ आया, घर में एंट्री की। चारों ने मिलकर बड़ी बेदर्दी से नितिन की हत्या कर दी। फिर लाश को ऑटो से ठिकाने लगाया गया। साइबर से जो हमने CDR निकाली थी, उसमें मृतक की पत्नी के और शिवम उर्फ डॉन की काफी लंबी बातचीत थी। तो इसके आधार पर हमने ये एक इनपुट पे काम किया कि संभवतः इनके अवैध संबंध। अब सुनिए एक और चौंकाने वाला खुलासा। नितिन की हत्या में सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं, बल्कि रिश्तेदारी में लगने वाला भांजा भी शामिल था। बेरोजगार भांजे को नितिन ने सहारा दिया। इसी बीच भांजे के अवैध संबंध मामी के साथ हो गए और इसकी भनक नितिन को लग गई। काफी लंबे समय से वो उसके घर पे ही रह रहा था। इसी के दौरान मृतक की पत्नी और आरोपी शिवम के अवैध संबंध हो गए थे। चूंकि एक महीने जब मृतक की पत्नी और शिवम नहीं मिले, तो इन्होंने सोचा कि हम मृतक को रास्ते से हटा दें, नितिन शर्मा को, और हम दोनों साथ में रहने लगे। भांजे और पत्नी ने मिलकर नितिन को रास्ते से हटाने के लिए ये साजिश रची। एक माँ के आंसू बहू से सवाल कर रहे हैं कि आखिर उसके बेटे की जान क्यों ली गई। शिवपुरी में अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। महज 2 दिनों में मुरैना शहर से बेटों के कहर की ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आई जो रोंगटे खड़े करने वाली हैं। एक जल्लाद बेटे ने बुजुर्ग माँ बाप की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को मोर्चा खोलना पड़ा। अगले दिन भी मुरैना में एक बेटे ने खूनी खेल खेला। वार बेसबॉल से हमला, माँ बाप की जान के दुश्मन बने वो। बेटों की हैवानियत से सन्न मुरैना। कहीं बेटे ने सुलाई मौत की नींद, कहीं शराब पर रिश्ते हुए लहू लुहान। बेटों का वहशीपन, 2 दिन 1 शहर 3 कत्ल। करीब 20 किलोमीटर का फासला, थाना इलाका जरूर अलग है, लेकिन शहर एक ही, मुरैना। दोनों ही वारदात में एक अजब कनेक्शन भी। 2 दिन में मुरैना से आई ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। 15 मई को मुरैना के सीता बसैया थाना इलाके में जो वारदात हुई, वो हैरान करने वाली थी। लोहे के सब्बल से वार करके बेटी ने माँ बाप की जान ले ली। माँ बाप पर वार करने के बाद आरोपी बेटा छत पर जाकर पत्थर फेंकने लगा। यहाँ तक कि पुलिस को घर में एंट्री करने में भी मशक्कत करनी पड़ी। ये व्यक्ति माता पिता को मारने के बाद, मतलब घायल करने के बाद, मरणासन्न स्थिति में छोड़ करके घर की छत पर चढ़ गया और उसके बाद पत्थर फेंकने लगा और किसी को भी नजदीक नहीं आने दे रहा था। कुतवार गांव में जल्लाद बेटे खरेंद्र ने घर में सो रहे 70 साल के बुजुर्ग पिता ओम प्रकाश और बुजुर्ग माँ उर्मिला शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी। लोगों की माने तो आरोपी बेटा आए दिन किसी न किसी बात पर माँ बाप से झगड़ा फसाद करता था। थाना माता बसैया अंतर्गत ग्राम कुतवार में कल रात में घटना हुई है।
इसमें एक व्यक्ति के द्वारा जो है अपने माता पिता की लोहे के सबल से पीट पीट कर हत्या कर दी। इसमें जो है आरोपी अभी अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस शीघ्र ही उसको अरेस्ट कर लेगी। इस दिल दहलाने वाली वारदात से लोग सकते में थे और अगले ही दिन मुरैना से एक और थर्रा कर रख देने वाली खबर आई। यहाँ भी बेटी के कहर ने रिश्तों को लहूलुहान किया। कोतवाली थाना इलाके के दत्तपुरा में इस घर से बह रहा खून रिश्तों का है। दरवाजे पर ही पिता की लाश है। बेटे के कहर से पति को मां बचाने आई तो जल्लाद बेटे ने मां पर भी जानलेवा हमला किया। घायल मां का इलाज जारी है। दत्तपुरा का मामला है, लड़का है सुधांशु जो शराब वराब साथ पीता था। इसके बाप मना करता था, इसी बात को लेकर बाप बेटे में झगड़ा हुआ। बाप ने बेसबॉल पे उस पे वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दत्तपुरा में आरोपी बेटे सुधांशु ने बेसबॉल से पिता पर हमला किया। वजह थी पिता का शराब पीने पर बेटे को टोकना। दरअसल सुधांशु को कुछ दिन पहले ही नशा मुक्ति केंद्र से लेकर परिवार आया था। शराबी बेटे के इस खूनी खेल से सब हैरत में है। बचाने के लिए माँ आई थी तो माँ को भी चोटें लगी हुई है, उसको भी भर्ती करा दिया, अस्पताल में भर्ती करा दिया। दो दिन में जल्लाद बेटों के कहर से मुरैना के लोग सन्न है। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब कुछ अन्य खबरों का जिक्र भी कर लेते हैं। छिंदवाड़ा का जिक्र करते हैं। सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई। यहां चूहों ने महिला मरीज के पैर को तोड़ दिए। पीड़ित महिला ने इसे लेकर शिकायत भी की है। तो पैर में क्या हो गया आपके? क्या मालूम क्या हो गया, तो ऐसे कपते हैं पैर ऐसे। अच्छा, अभी कोई किसी चूहे ने काटा? हाँ, काटा चूहा ने। कब काटा? 3 बजे रात को। तो इसके बाद आपने चूहे काटने के बाद किसको बताया? किसी को बताया? सुबह उठे ये सब जब बताई सबको, फिर तो यहाँ नर्स को बताए? हाँ बता दिया। उन्होंने चूहे का इलाज करी आपका? नहीं, अभी नहीं करी। नहीं करी। तो यहाँ चूहे बहुत है? हाँ, 2-3 घूम रहे हैं। खबर रायसेन से है, जहां पर विजिलेंस बिजली विभाग की टीम से दबंगों की बदसलूकी का एक मामला सामने आया। दबंगों ने कर्मचारियों को बंधक बनाया और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। सहायक प्रबंधक सतर्कता विनोद कोकाडे अपनी टीम के साथ भागरकच खुर्द में पहुंचे, जहां उनकी टीम के साथ अभद्रता और झूमाझटकी हुई। आदिवासी विजिलेंस अधिकारी विनोद कोकाडे ने थाने में शिकायत कराई, जिसमें उन्होंने भगवान सिंह पुरवरिया ठाकुर और अन्य समर्थकों पर आरोप लगाया। बरेली पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना है।